हम में से ज्यादातर लोगों की एक बहुत ही कॉमन आदत है ये बोलने की कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब भगवान करवा रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में मैंने कुछ कर्म किए थे जिस वजह से उसके फल के हिसाब से ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ये अपने आप हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है या इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, या ये कहना कि क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वंश को बिलोंग करती हूँ, इस पर्टिकुलर रीजन से मेरा संबंध है, इसीलिए मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ खराब खराब ही हो रहा है, या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा अच्छा ही हो रहा है, मैं बेचारा या बेचारी कैसे कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे तो कोई गॉड फादर ही नहीं है, या ये कहना कि मेडिटेशन, अध्यात्म, वेद, गीता ये सब तो वो लोग करते हैं ना जिसको कि ये दुनिया की खुशियां नहीं चाहिए होती है, जो सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस की तरफ देखने की क्या जरूरत है, या साइंस की तरफ देखने की एज ए प्रूफ क्या जरूरत है, या ये कह देना कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ और इस वजह से मुझे ना ही साइंस की तरफ देखने की जरूरत है ना ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखने की जरूरत है, मैं वो करूंगा जो जिंदगी मुझे सिखाएगी और अभी मेरी जिंदगी जैसी है बहुत अच्छी है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैं इसी को बचाने की कोशिश में लगा रहूंगा और हमेशा एक विक्टिम कार्ड प्ले करता रहूंगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो ना अपने आप हो रहा है, वो भगवान करवा रहे हैं, मेरी उसमें कुछ भी वो नहीं है, मेरा कुछ भी एक्शन या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। इस वजह से एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि इतने सारे लोगों में फैलती जा रही है, इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी। मोर देन 90% लोग ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं, लेकिन किस हद तक ये बात सही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास वो अपने आप हो रहा है और आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं आज इस वीडियो के थ्रू, जिसमें मैं आपको साइंस के पॉइंट से कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ वेयर साइंस इज मीटिंग स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये वीडियो मेरी प्लेलिस्ट विज्ञान में मैं डालने वाली हूँ, जो स्पिरिचुअल एंगल होगा इस पूरी सिचुएशन का उसे मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी वाले वीडियोस मतलब अध्यात्म प्लेलिस्ट में डालूंगी, वो बाद में बनाएंगे। दिस वीडियो इज पार्ट वन, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग इनटू द क्वेश्चन इज रियलिटी सब्जेक्टिव। अगर हम स्पेस एंड टाइम को साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहे तो सबसे पहला नाम इस फील्ड में आता है आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने कि सबसे पहले स्पेस एंड टाइम को डिफाइन करते हुए ये कहा था कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट होता है, टाइम हमेशा कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और टाइम किसी भी रिलेटिविटी के अंतर्गत नहीं आता, मतलब टाइम ऐसा है जो कि बदल नहीं सकता, टाइम एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो रखती थी कि मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही फ्लो करती थी, लेकिन तभी कुछ टाइम बाद एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है गॉटफ्राइड लेबनीज़। लेबनीज़ तब डिस्कवर करते हैं कैलकुलस, वैसे तो कैलकुलस की डिस्कवरी के लिए आइजैक न्यूटन को ही क्रेडिट्स दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कहा जाता है कि कैलकुलस को डिस्कवर किया था गॉटफ्राइड लेबनीज़ नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो कि बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, और क्योंकि न्यूटन उस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा जाने माने साइंटिस्ट ऑलरेडी हो चुके थे, तो एक दबदबा था साइंटिस्ट कम्युनिटी में आइजैक न्यूटन का, जिस वजह से जब कैलकुलस डिस्कवर किया गॉटफ्राइड लेबनीज़ ने तो वो नाम भी न्यूटन के सर पे चला गया, उनको इस चीज का श्रेय नहीं मिलता। कैलकुलस के अंडर में अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें, फिजिकल चीजों को देखें, तो वो हमेशा एक ऐसी वैल्यू से दिखाई जाएगी जो कि टेंड करती है टुवर्ड्स समथिंग या टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट, मतलब कैलकुलस के हिसाब से ये पूरा जो एक फिजिकल एंटिटी है एक फ्लो में बहता है और किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर नंबर या वैल्यू से नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, क्योंकि एंटिटीज हमेशा चेंज हो रही है, तो वो हमेशा टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट या टेंड टुवर्ड्स समथिंग रहेगी, मतलब बदलती रहेगी। तो कैलकुलस के आने के बाद से जो उनकी पुरानी थ्योरी थी जिसके हिसाब से टाइम एक कांस्टेंट चीज थी जिसको चेंज नहीं कर सकते, वो एक कांस्टेंट फ्लो में बह रही है, तो उस चीज का पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है। इस वजह से जो पुरानी थ्योरी थी उसको खारिज कर दिया जाता है जिसके हिसाब से टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जब न्यूटन की ये वाली थ्योरी को खारिज किया जा रहा था, तब तक एक और कम्युनिटी थी जो कि साइंटिस्ट्स में फॉर्म हो चुकी थी, जो कि बिलीव करते थे रिलेशनलिज्म,
रिलेशनलिज्म पे। तो रिलेशनलिज्म वो थ्योरी थी साइंटिस्ट्स के हिसाब से जो कि टाइम को एक एब्सोल्यूट या कांस्टेंट वैल्यू नहीं मानती थी बल्कि एक रिलेशनल क्वांटिटी मानती थी, और उनके हिसाब से टाइम एक सब्जेक्टिव एंटिटी थी। जी हाँ, सब्जेक्टिव एंटिटी। तो सब्जेक्टिव एंटिटी का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर चीज हर एक पर्टिकुलर सोर्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, उनके रिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। तो रिलेशनलिज्म के हिसाब से टाइम हर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अलग अलग फ्लो करेगा, और जो भी फिजिकल टाइम आपको दिख रहा है वो हर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस किया जाएगा, ना कि सबके लिए एक तरीके से। और साथ ही साथ स्पीड भी अलग हो सकती है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस दिन आप बहुत खुश रहते हैं तब टाइम कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आपका ब्रेकअप हुआ होता है या कुछ तो भी गंदा इंसिडेंट हुआ होता है आपकी लाइफ में, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि टाइम बीतता ही नहीं है। तो ये तो थी रिलेशनलिज्म की थ्योरी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक ऐसी थ्योरी आने वाली थी जो कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हिला के रख देने वाली थी, और वो थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस एंड टाइम को ही एक एंटिटी बोल दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने ये बोल दिया था कि टाइम और स्पेस अलग अलग है ही नहीं एक दूसरे से, बल्कि टाइम और स्पेस तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर टाइम है, स्पेस है, स्पेस है, टाइम है, तो वो दोनों को साथ में रहना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक सिंगल एंटिटी है। और जब ये चीज प्रूव करके दिखा दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, तो ये काफी शॉकिंग था पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्योंकि ये वो प्रिंसिपल था जो काफी पुराने प्रिंसिपल्स को ब्रेक करता था, जो कि टाइम को एक सेपरेट एंटिटी मानते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे वो ट्विस्ट जो कि सबको हैरान कर देगा वो तो तब आएगा जब आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी को लेबनीज के रिलेशनलिज्म में अलाइन करके देखें। इसका मतलब अगर टाइम हर किसी के लिए उनके ब्रेन या माइंड के हिसाब से अलग अलग स्पीड्स में बह रहा है या अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, और अगर टाइम और स्पेस सेम है या टाइम और स्पेस सिंगल एंटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि हम सब जिस स्पेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिन चीजों को छू रहे हैं, जिसको खा रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, वो भी सबके लिए अलग अलग है। मतलब कि आपके दोस्त के लिए एक अलग वर्ल्ड है जिसमें वो खा पी रहा है, और आपके लिए एक अलग वर्ल्ड है जिसमें कि आप बैठे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, खा पी रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी एक्शंस करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके वर्ल्ड में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, और वो सारे एक्सपीरियंस जो कि उसका फल हो सकते थे, जो कि आप कर्म कर रहे हो या एक्शन कर रहे हो, वो सारे एक्सपीरियंस आपके पर्टिकुलर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करोगे। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये बात प्रूफ हो चुकी है। तो रिसेंटली अभी एक जो थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई थी वो थी एमर्जेंस थ्योरी। तो रिसेंटली लॉस एंजलिस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्ट्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल लिया था और उसके अंदर से लाइट को या किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को पास करा के देखने की कोशिश की थी, और उससे उनको ये सामने देखने को मिला था कि जिस तरीके से क्रिस्टल्स में जब लाइट पास होती है तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं, लाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बन जाते हैं। अगर किसी ने कैलाइडोस्कोप देखा होगा तो उनको पता होगा कि अगर आप देखते हो आंखों से तो हर किसी के देखने पे अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं, हर किसी के देखने पे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। जब मैं देखती हूँ तो अलग दिखाई देते हैं, जब आप किसी और को दे दो तो वो देखता है तो उसको एक अलग ही चीज दिखाई देती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है। तो आप इसको इस तरीके से एनालाइज कीजिए कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये हमारे 3D वर्ल्ड को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इस क्रिस्टल लैटिस का 2D शेड देखेंगे, 2D प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, एक ह्यूमन ब्रेन में बनता है। बेसिकली कैमरा में भी आप देखोगे तो जो भी बाहर की 3D पूरी पूरी चीज है उसका एक 2D प्रोजेक्शन आपको कैमरे में देखने को मिलता है। तो अगर आप इस क्रिस्टल लैटिस के 2D शेड को हमारे माइंड में बनने वाले प्रोजेक्शन के साथ कंपेयर करते हैं तो आप ये साफ साफ देख पाओगे कि जैसे कि आप कोई प्रोजेक्टर हो जिसको कि प्रोग्राम कर दिया गया हो, और आपके प्रोग्राम के हिसाब से आप जो जो भी डेटा, एसिमेट्रिक डेटा जो है आप फीड कर रहे हो अपने आंखों को, वो भले 2D स्ट्रक्चर दे रहा है उसको, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट हो रहा है तो एक बहुत ही अलाइन्ड, एक प्रोग्राम्ड, एक सिमेट्रिकल वे में वो अलाइन हो रहा है और ये 3D वर्ल्ड को फॉर्म कर रहा है, जो कि प्रूव हो चुकी है रिसेंटली ही क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के द्वारा। और जिस तरीके से भी वो प्रोजेक्ट करेगा, आप आपके सेंसेस के थ्रू, मतलब जो भी आपके 5 senses है बॉडी के, उसके थ्रू आप वैसे ही एनालाइज करोगे, वैसे ही एक्सेस करोगे उस रियलिटी को।
रिसेंटली 2022 में ही क्वांटम मैकेनिक्स की एक थ्योरी को नोबेल प्राइज मिला है जिसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। और नोबेल प्राइज ऐसी किसी भी थ्योरी को नहीं मिल जाता, डेफिनेटली उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा, एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट के हिसाब से अगर एक सेम सोर्स से आप दो पार्टिकल्स को इजेक्ट करते हैं, ठीक है, सोचो कि कोई डिसिपेटर है जहां पे ना एक ही सोर्स के पार्टिकल्स जो है अलग अलग तरीके से डिसिपेट हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं और अलग अलग निकल रहे हैं। तो लेट्स से कि ये दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, और ये जो स्टेट है जिसमें पार्टिकल ए बी से अलग है, ये है सुपरपोजिशन स्टेट। तो सुपरपोजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि पार्टिकल ए और बी अलग अलग हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल ए और बी सेम सोर्स से निकले हुए हैं, तो इसका मतलब एक रिलेशन है ए और बी के बीच में, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं, चिपक सकते हैं, वापस एसोसिएशन कर सकते हैं। तो ये दोनों रियलिटी के पार्टिकल्स अब सुपरपोजिशन स्टेट में है, मतलब एक अलग रियलिटी है और एक दूसरी रियलिटी का इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि फ्यूचर में फ्लरिश हो सकता है, ठीक है। अब आप गेस करो कि ये दो पार्टिकल्स अब क्योंकि अलग अलग हो गए हैं सुपरपोजिशन स्टेट में, तो ये वापस कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, या क्या तरीका हो सकता है जो कि आप अपनी इंडिविजुअल रियलिटी क्रिएट कर सकते हो एक तरीके से, या वो क्या तरीका हो सकता है जिससे ये दोनों पार्टिकल्स आपस में चिपक सकते हैं और एक नया पैटर्न, एक नई रियलिटी फॉर्म कर सकते हैं। एनी गेसेस? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो या नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। द आंसर इज थ्रू योर कॉन्शियसनेस। यस एवरीवन, थ्रू योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जिससे आप एक्टिवली चॉइस करते हो और किसी भी चीज को देखते हो। क्योंकि रियलिटी कब बनती है, जबकि आप कुछ पर्टिकुलर चीजों को चॉइस करके वहां पे जाके बैठते हो या वहां पे जाके कुछ काम करते हो, राइट? तभी वो पर्टिकुलर एरिया आपके आसपास की रियलिटी बन जाता है, राइट? तो ये जो डिसीजंस आप लेते हो, ये जो चॉइस आप लेते हो देख के, चीजों को अंडरस्टैंड करके, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट में भी बिल्कुल यही चीज होती है। तो सपोज करो कि दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, साइंटिस्ट एक्स और साइंटिस्ट वाई। तो जब साइंटिस्ट एक्स उस पूरे एक्सपेरिमेंट को देख रहा है, तो तब उसको वो पार्टिकल ए और बी अलग तरीके से अलाइन होके नजर आ रहे हैं, सेम चीज जो कि कैलाइडोस्कोप में होती है। और यही जब वो दूसरा साइंटिस्ट वाई उस एक्सपेरिमेंट को देखता है, तो पार्टिकल्स ए और बी उसको एक अलग ही तरीके से अलाइन होते हुए नजर आते हैं। तो अब आप मुझे कहोगे कि वेट, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये सारी बात हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, या इन सारी बातों के बारे में डिटेल्स में जानने की या डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू जानने की जरूरत ही क्या है? तो इन सब का जवाब है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे सिचुएशन को लेके, और वो ये है गाइस कि ये एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हम सबको ना एक एम्पावरमेंट दे रहा है कि अगर सही में ये वर्ल्ड सबके लिए अलग अलग है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के वर्ल्ड को एक अच्छा वर्ल्ड बनाएं जिसमें हम ही शांति से रह सके, क्योंकि हर किसी के बारे में अच्छा तो हर कोई नहीं सोच सकता। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात है, ये पूरा ट्रैप है। आप हर किसी के बारे में अच्छा अगर सोच भी लोगे या बुरा सोच भी लोगे, तो उससे आपके वर्ल्ड को कुछ नहीं अफेक्ट होने वाला है। आपका वर्ल्ड तभी चेंज होगा, आपका यूनिवर्स तभी चेंज होगा, जब आपके चॉइसेस एज अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस सही होंगी। और ये एक और बात को भी प्रूफ करती है कि कोई भी नेपोटिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, वो भले ही एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इस वर्ल्ड को बदल सकता है, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है जब आप उस चीज में शामिल होंगे अपने एक्शंस के द्वारा। बस सोच सोच के आप आपकी रियलिटी को नहीं बदल सकते, आपको एक्चुअली में रियल चॉइसेस लेने पड़ेंगे, आपको एक्चुअली में रियल एक्शंस करने पड़ेंगे, तभी आपके आसपास का वर्ल्ड बदलेगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके जाना मत भूलिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज फील एम्पावर्ड दैट यू हैव दैट राइट एंड यू हैव दैट चॉइस टू चेंज द रियलिटी अराउंड यू।